तो हम टॉपिक कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स, और इसमें हमने वर्कशीट नंबर 1 के 10 क्वेश्चंस पिछले दो लेक्चर्स में कवर कर दिए थे, और आज टोटल 14 क्वेश्चंस है इस वर्कशीट नंबर 1 में, और बाकी के जो 4 क्वेश्चंस हैं आज हम इस लेक्चर में उसको कवर करेंगे, आज कंप्लीट कर देंगे इस वर्कशीट नंबर 1 को। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पिछले दो पार्ट्स इस टॉपिक के, इस वर्कशीट के नहीं देखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके उसको देख सकते हैं दोनों पार्ट्स को। तो आज हमने 11th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी, और तीनों की हमें कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2020 को। ए की कैपिटल 5 लाख है, बी की कैपिटल 2,50,000 है, और सी की कैपिटल 2,50,000 है। तो एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के मुताबिक सी को सैलरी मिलनी चाहिए 10,000 पर मंथ। पार्टनरशिप डीड के मुताबिक सी को 10,000 रुपये हर महीने के हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए 5% पर एनम के अकॉर्डिंग, और जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो पार्टनर्स कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं ए बी और सी, और तीनों की हमें कैपिटल दे रखी है 5 लाख, 2,50,000 और 2,50,000, और तीनों के बीच में क्या कंडीशन तय हुई है। पहली कंडीशन है कि सी को सैलरी दी जाएगी 10,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग, और तीनों पार्टनर्स को कैपिटल पे 5% पर एनम इंटरेस्ट देना है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है कि जो प्रॉफिट्स होंगे उनको कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले हम कैपिटल की रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए तीनों की कैपिटल लिखिए, ए बी सी, ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल है 2,50,000, और सी की कैपिटल भी 2,50,000। इसका रेशो बनाएंगे तो 2:1:1, ये इनका कैपिटल का रेशो है, यानी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनके बीच में रहेगा वो 2:1:1 में ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैपिटल का रेशो सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, और उसके बाद देखिए गलती क्या हुई है। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 3,30,000 रुपये का, 3,30,000 का वॉज डिवाइडेड इक्वली, तो यहाँ पे पार्टनर्स ने गलती क्या की, 3,30,000 का जो प्रॉफिट था वो पार्टनर्स ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जो 3,30,000 का प्रॉफिट था वो पार्टनर्स ने यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए था, कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। पहली गलती तो ये हुई है। दूसरी देखिए क्या है, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म्स, यानी कि सैलरी नहीं दी पार्टनर्स को, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया, और प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे दो मिस्टेक्स हुई हैं, एक तो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जो कि नहीं करना चाहिए था, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी नहीं दी है पार्टनर्स को जो कि देनी चाहिए थी। तो देखिए एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू हमको इस एरर को ख़त्म करना है। तो देखिए इसमें हम स्टेटमेंट बनाएंगे, सॉल्यूशन नंबर 11, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। देखिए स्टेटमेंट में तीनों पार्टनर्स के नाम लिखिएगा, पर्टिकुलर्स ए बी सी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली मिस्टेक जो हुई है, प्रॉफिट को उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जो कि कैपिटल की रेशो में बांटना चाहिए था, और दूसरी गलती हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया पार्टनर्स को, सैलरी नहीं दी है पार्टनर को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जो उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, सबसे पहले उसको वापस लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट्स रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। जो प्रॉफिट गलती से बांट दिए थे, कितने के प्रॉफिट्स बांट दिए थे, 3,30,000 के, तो 3,30,000 का जो प्रॉफिट इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आप भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके इनसे वापस ले लीजिए क्योंकि ये गलत बांट दिए थे। तो
330,000 को 1/3 करेंगे, तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 1,10,000 रुपये ए से वापस लिए जाएंगे, 1,10,000 बी से वापस लिए जाएंगे और 1,10,000 सी से वापस लिए जाएंगे। तो वापस लेना है इसलिए डेबिट किया जाएगा। अच्छा दूसरा देखिए, सी को सैलरी मिलनी चाहिए थी 10,000 पर मंथ, तो सैलरी मिलनी चाहिए थी तो सैलरी देंगे, नहीं दी थी तो अब दे देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी क्रेडिटेड। 10,000 पर मंथ सैलरी है तो पूरे साल भर की सैलरी कितनी हो जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1,20,000। तो सी को 1,20,000 देना है, तो देना है तो इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं आपको, प्रॉफिट्स इन्होंने गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, तो आप भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके वापस ले लीजिए, क्योंकि इन्होंने गलत बांट दिया, कैपिटल की रेशियो में बांटना चाहिए था। और दूसरा, सैलरी नहीं दी थी सी को तो अब दे देंगे, तो सी के खाते में सैलरी क्रेडिट कर देंगे। और दूसरी कंडीशन थी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था 5%, तो नहीं दिया तो अब दे देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम क्रेडिटेड। तो देखिए कितना, 5% कैलकुलेट करेंगे तीनों की कैपिटल का, तो ए की कैपिटल 5 लाख है, 5 लाख का 5% कितना होता है, 25,000। तो ए के खाते में 25,000 रुपये क्रेडिट किए जाएंगे। बी की कैपिटल 2,50,000 है, 2,50,000 का 5% होता है 12,500, तो 12,500 बी के खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। और सी की कैपिटल कितनी है, 2,50,000 है, तो इसका 5% भी 12,500 होगा, तो ये भी सी के खाते में क्रेडिट किए जाएंगे, तो ये भी देना है इसलिए क्रेडिट करेंगे। तो देखिए सिंपल, इस एरर को आपने किस तरीके से ख़त्म करना था, जो प्रॉफिट्स उन्होंने गलत बांट दिए थे तो आप भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उसको वापस ले लीजिए। और दूसरा, सैलरी नहीं दी तो अब दे देंगे, तो क्रेडिट कर देंगे सी के खाते में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, देना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर कीजिए कैपिटल का 5%, और तीनों के खाते में क्रेडिट कर दीजिए। अच्छा अब एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, प्रॉफिट कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करने थे, हमको नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 3,30,000, नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले आप सैलरी माइनस करेंगे जो कि 1,20,000 है, सी की सैलरी है और फर्म का खर्चा है, इसलिए माइनस करेंगे प्रॉफिट में से। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स का, तो ए का इंटरेस्ट था हमारा 25,000, बी का इंटरेस्ट था 12,500 और सी का इंटरेस्ट था 12,500, टोटल करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 50,000। ये भी फर्म का एक्सपेंस है तो इसलिए प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट जो है उसमें से आप सैलरी माइनस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, तो माइनस करेंगे, तो ये आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आएगा, 1,60,000। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। एक बार क्वेश्चन में समझेंगे, देखो गलती क्या की थी उन्होंने, उन्होंने 3,30,000 को सिंपली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, वो तो गलत कर दिया था, इसलिए हमने 3,30,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके पहले वापस ले लिया। अच्छा सैलरी नहीं दी थी तो सैलरी दे दी सी को, क्रेडिट कर दिया सी के खाते में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, तीनों के खाते में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे जो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 3,30,000 में से, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों माइनस करने के बाद जो 1,60,000 रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, इसको कैपिटल की रेशियो में बांटना चाहिए था, जो कि क्वेश्चन की कंडीशन थी। कैपिटल का रेशियो कितना है, 2:1:1, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में निकाला था। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट्स एक्चुअली क्रेडिटेड,
देखिए 1,60,000 का जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको कैपिटल की रेशियो जो कि 2:1:1 हमने स्टार्टिंग में निकाली थी इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,60,000 इंटू 2/4 80,000 एक ही खाते में क्रेडिट किए जाएंगे और 1,60,000 इंटू 1/4 40,000 बी के खाते में क्रेडिट किए जाएंगे और 40,000 सी के खाते में क्रेडिट किए जाएंगे, देना है इसलिए क्रेडिट किए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सारे एरर्स ख़त्म करने थे और अब आपका काम है कि टोटल करना। तो देखिए सबसे पहले टोटल ऑफ डेबिट्स, ए का 1,10,000 है, बी का भी 1,10,000 है और सी का भी 1,10,000 है। अच्छा, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, टोटल ऑफ क्रेडिट्स, ए का टोटल करेंगे तो 25 और 80 कितना होता है ये 1,05,000 और बी का आएगा 52,500 और सी का टोटल करेंगे तो 1,20,000 प्लस 12,500 प्लस 40,000 1,20,000 प्लस 12,500 प्लस 40,000 तो ये आएगा 172,500। तो देखिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, प्रॉफिट पार्टनर्स में इक्वली गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे तो हमने भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके वापस ले लिए क्योंकि गलत बांटे थे हमने और सैलरी देनी थी सी को तो सैलरी दे देंगे सी को, सी के खाते में 1,20,000 क्रेडिट कर देंगे, मंथली सैलरी थी तो पूरे साल की सैलरी 1,20,000 होगी, सिर्फ सी की सैलरी थी तो सी के खाते में क्रेडिट की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था तो 5% अब दे देंगे, तीनों के खाते में कैपिटल का 5% कैलकुलेट करना और क्रेडिट कर देना तीनों में और बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट में से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, उसको पार्टनर्स में कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था तो वो हमने कर दिया अब और क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए डिफरेंस देखेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड का, तो ए के डेबिट साइड का टोटल है 1,10,000, मतलब ए से हमने 1,10,000 रुपये लेने हैं और ए के क्रेडिट साइड का टोटल है 1,05,000, 1,05,000 रुपये देने हैं, तो डिफरेंस आ रहा है 5,000 जो कि नेट इफेक्ट है। ए के डेबिट और क्रेडिट साइड का अगर डिफरेंस देखेंगे टोटल दोनों का तो 5,000 आ रहा है और दोनों में से डेबिट साइड बड़ी है तो ये डिफरेंस डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि 5,000 रुपये हमने ए से लेने हैं इसलिए डेबिट हुआ है। बी का देखिए 1,10,000 डेबिट साइड का टोटल है और 52,500 क्रेडिट साइड का टोटल है, तो देखिए डिफरेंस अगर निकालेंगे 1,10,000 माइनस 52,500 तो डिफरेंस आएगा 57,500 और दोनों में से डेबिट साइड बड़ी है तो डिफरेंस डेबिट साइड में जाएगा, मतलब 57,500 बी से लेने हैं हमने। सी का डिफरेंस देखेंगे डेबिट साइड का टोटल 1,10,000 है, क्रेडिट साइड का 172,500, तो 172,500 माइनस 1,10,000 तो इसका डिफरेंस आएगा 62,500। और दोनों में से क्रेडिट साइड बड़ी है सी की तो क्रेडिट में जाएगा, यानी कि सी को हमने 62,500 देने हैं। तो इस तरीके से आपने ये नेट इफेक्ट निकालना है और जनरल एंट्री पास करेंगे, आप फॉर्मेट में पास कीजिएगा, मैं यहाँ पे बार बार फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ मेन, क्योंकि आपका जो ये जनरल एंट्री है ये फाइनल आंसर है और मेन आंसर भी आपका ये जनरल एंट्री है, बाकी सारे वर्किंग नोट्स हैं तो इसलिए उसको फॉर्मेट में ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे डेबिट किसको करना है, ए और बी को, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 5,000 रुपये ए से लेने हैं, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 57,500 बी से लेने हैं, टू सीज कैपिटल अकाउंट, 62,500 सी को देने हैं। तो इस तरीके से आपने जनरल एंट्री पास करनी है और नरेशन आप क्या लिखेंगे, बीइंग एरर रेक्टिफाइड,
ठीक है, इस तरीके से आपने देखिए फाइनल आंसर आपका जनरल एंट्री है तो आप इसको फॉर्मेट में ही पास कीजिएगा, ठीक है, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पे तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, और तीनों की हमें कैपिटल दे रखी है, ए की कैपिटल 1 लाख है, बी की कैपिटल 2 लाख है और सी की कैपिटल 3 लाख है। तीनों पार्टनर्स की हमको कैपिटल दे रखी है और 1 अप्रैल 2020 को ये कैपिटल दे रखी है, और पार्टनरशिप डीड के मुताबिक देवर इंटाइटल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के मुताबिक तीनों पार्टनर्स को कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। इन एडिशनल ए वॉज ऑल्सो इंटाइटल टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ, और इसके अलावा ए को सैलरी मिलनी चाहिए थी 5000 रुपये हर महीने, और सी को कमीशन मिलना चाहिए था 5% नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर 5% सी को कमीशन देना है, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू ए। देखिए सी को जो कमीशन देना है प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करके, ए की सैलरी माइनस नहीं करनी, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करना है, ए की सैलरी माइनस नहीं करनी है, तो बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उस पर 5% सी को कमीशन देना है। यानी कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उस पर 5% सी को कमीशन मिलेगा, और नेट प्रॉफिट फर्म का दे रखा है हमको 3,60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। लेकिन ये 3,60,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कैपिटल की रेशियो में। तो देखिए 3,60,000 का जो प्रॉफिट है कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो देखिए कैपिटल का रेशियो अगर हम निकालें यहाँ पे, ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल है 2 लाख और सी की कैपिटल है 3 लाख, इसका रेशियो बनाएंगे तो 1:2:3, ये इनका कैपिटल का रेशियो निकल के आता है 1:2:3। इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट्स को 3,60,000 के प्रॉफिट को कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो कि 1:2:3 है, और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही सैलरी दी, ना ही सी को कमीशन दिया। बिना ये आइटम्स को, इन आइटम्स को इग्नोर करके इन्होंने 3,60,000 के प्रॉफिट को कैपिटल की रेशियो में बांट दिया। लेकिन इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2:3:5 था, यानी कि प्रॉफिट चलो अगर बांटना ही था तो उसको 2:3:5 में बांटना चाहिए था। अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना ही था तो उसको 2:3:5 में बांटना था, लेकिन इन्होंने प्रॉफिट को क्या किया, कैपिटल की रेशियो में बांट दिया। पहली गलती तो ये हुई, और दूसरा कि प्रॉफिट को अगर बांटना था तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन ये सब डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता उसको बांटना चाहिए था 2:3:5 में। तो देखिए यहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, सैलरी नहीं दी ए को, कमीशन नहीं दिया सी को, और दूसरा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी किया वो गलत रेशो में कर दिया, कैपिटल की रेशो में कर दिया। कैपिटल की रेशो में नहीं करना चाहिए था, जब रेशो दे रखा तो उस रेशो में बांटना चाहिए था। तो यहाँ पे एक एडजस्टिंग एंट्री से हमको ये एरर ख़त्म करना है। तो देखिए यहाँ पे आप वर्किंग नोट्स बनाएंगे, स्टेटमेंट सॉल्यूशन नंबर 12, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। तीनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। देखिए बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि क्या मिस्टेक हुई है और उसका सोल्यूशन किस तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के नाम लिखिए, ए बी सी, तो सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो प्रॉफिट को गलत बांट दिया, तो प्रॉफिट को गलत बांट दिया है तो वापस ले लेंगे। अगर प्रॉफिट गलत बांट दिया है हमने, पार्टनर्स को गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो इसका सलूशन क्या होगा, हम उससे वापस ले लेंगे पहले, ठीक है। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया, तो अब दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे इनके खाते में,
तो सबसे पहले देखिए जो गलती हुई है उसको प्रॉफिट को लेके वो सही करेंगे, प्रॉफिट्स रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, जो प्रॉफिट उन्होंने गलत बांट दिए थे सबसे पहले वो वापस लेंगे। कितना प्रॉफिट गलत बांटा था, 360,000 का प्रॉफिट उन्होंने कैपिटल की रेशो में बांट दिया था, तो 360,000 को आप भी कैपिटल की रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कैपिटल का रेशो कितना है, 1:3, 1:2:3 कैपिटल रेशो। तो आप भी 360,000 के प्रॉफिट को कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके सबसे पहले पार्टनर से वापस लीजिए, क्योंकि ये गलत बांट दिया गया। तो 360,000 को 1:3 कितना होता है, 1/6, 2/6 और 3/6, तो 360,000 इंटू 1/6, 60,000 रुपये ए से वापस लिए जाएंगे, और 360,000 इंटू 2/6, 1,20,000 बी से वापस लिए जाएंगे, और 360,000 इंटू 3/6 तो 1,80,000 सी से वापस लिए जाएंगे। जो 360,000 का प्रॉफिट उन्होंने कैपिटल की रेशो में बांट दिया था जो कि गलत किया उन्होंने, तो आप भी इसी रेशो में बांट के सबसे पहले उनसे वापस ले लीजिए प्रॉफिट। तो वापस लेना है इसलिए डेबिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देना था पार्टनर्स को, सबसे पहले कैपिटल पे इंटरेस्ट देना चाहिए था, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम क्रेडिटेड। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप कैलकुलेट कीजिए, अब दे दीजिए तो क्रेडिट करेंगे इनके खाते में। तो देखिए एक ही कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का 5% होता है 5,000 रुपये, तो ए के खाते में 5,000 रुपये क्रेडिट किए जाएंगे। बी की कैपिटल 2 लाख रुपये है, 2 लाख रुपये का 5% होता है 10,000 रुपये, तो बी के खाते में 10,000 रुपये इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा। और सी की कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का 5% होता है 15,000 रुपये, तो सी के खाते में 15,000 क्रेडिट किए जाएंगे। तो देना है इसलिए क्रेडिट किया जाएगा। अच्छा और क्या नहीं दिया, ए को सैलरी मिलनी चाहिए थी कितनी, 5,000 पर मंथ, सिर्फ ए की सैलरी थी 5,000 रुपये पर मंथ, तो नहीं दी तो अब दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी क्रेडिटेड, 5,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है, तो पूरे साल भर का सैलरी कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ए की सैलरी आ जाएगी यहाँ पे 60,000। तो अगर ए को सैलरी नहीं दी थी तो अब दे देंगे, 60,000 ए के खाते में क्रेडिट किया जाएगा, ये भी देना है इसलिए क्रेडिट करेंगे। उसके बाद बी सी को कमीशन देना चाहिए था 5%, लेकिन कौन से प्रॉफिट पे कमीशन देना चाहिए था, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद, जो नेट प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे 5% कमीशन देना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है क्वेश्चन में 360,000, जो नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है उसमें से क्या डिडक्ट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट देखिए, तो ए का इंटरेस्ट था 5,000 रुपये, बी का इंटरेस्ट था 10,000 रुपये और सी का इंटरेस्ट था 15,000। टोटल करेंगे अगर इंटरेस्ट का तो ये 30,000 होता है, जो कि फर्म का एक्सपेंस है। तो 360,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है 330,000 रुपये का, इस प्रॉफिट पे, क्योंकि उसने बोला सैलरी देने से पहले, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे, सी वॉज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू ए, ए को सैलरी देने से पहले, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कीजिएगा,
तो ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद लेकिन सैलरी देने से पहले। तो इस 3,30,000 पे हमको कमीशन देना है किसको? सी को। तो यहाँ पे लिखेंगे सीज कमीशन और फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। और कुछ नहीं बोला तो हम इसलिए इसको बिफोर चार्जिंग मान रहे हैं, ठीक है। अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोलता तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 3,30,000 रुपये प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करने के बाद, उस पर हमको 5% कमीशन देना है। तो 3,30,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 16,500। ये सी को कमीशन देना था तो अब दे देंगे, नहीं दिया तो यहाँ पे लिखेंगे कमीशन क्रेडिटेड। तो देखिए यहाँ पे भी कैलकुलेट करके बता देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट बचा था 3,30,000, इसका 5% कमीशन होता है 16,500। ये सी के खाते में क्रेडिट करेंगे, देना है तो इसलिए क्रेडिट करेंगे। तो देखिए इतना समझ लेते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या था कि प्रॉफिट को कैपिटल की रेशो में गलत बांट दिया था, तो हम भी प्रॉफिट को कैपिटल की रेशो में ही बांट के वापस ले लेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये गलत कर दिया था। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था पार्टनर्स को तो अब दे देंगे 5%, कैलकुलेट कीजिए कैपिटल का, तो तीनों के खाते में क्रेडिट कर दीजिए। ए को सैलरी नहीं दी थी तो अब दे देंगे सैलरी, 5,000 रुपये पर मंथ है तो पूरे साल की सैलरी हो जाएगी 60,000, तो ए के खाते में सैलरी क्रेडिट करेंगे। और सी को कमीशन देना था, लेकिन सी को कमीशन कैसे देना था? ऐसे प्रॉफिट पे देना था, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करना था, सैलरी को डिडक्ट नहीं करना था। तो नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसका 5% हम सी को कमीशन देंगे, तो देना है तो सी के खाते में क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, अब बात आती है बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट, तो देखिए नेट प्रॉफिट हमें पता है 3,60,000 रुपये, क्वेश्चन में गिवन है। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट है 5,000 रुपये, बी का इंटरेस्ट है 10,000 रुपये और सी का 15,000। टोटल करोगे तो 30,000 टोटल इंटरेस्ट होता है, तो ये एक्सपेंस है फर्म का, इसलिए माइनस करेंगे प्रॉफिट में से। सैलरी ए की 60,000 रुपये थी, ये भी फर्म का खर्चा है क्योंकि देना है पार्टनर्स को, इसलिए इसको भी माइनस करेंगे। और सी का कमीशन जो कि हमने 16,500 कैलकुलेट किया था, ये भी फर्म का एक्सपेंस है तो इसको भी माइनस करेंगे। तो देखिए 3,60,000 में से 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 60,000 सैलरी और 16,500 कमीशन, तो बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो आएगा 2,53,500। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट था, इसको पार्टनर्स में बांटना चाहिए था। किस रेशो में बांटना चाहिए था? क्वेश्चन में रेशो देखिए क्या दे रखा है, 2:3:5, तो 2:3:5 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए इन्होंने क्वेश्चन में गड़बड़ क्या की थी, 3,60,000 का जो प्रॉफिट है उसको कैपिटल की रेशो में बांट के कैपिटल की रेशो में बांट दिया था गलत, तो कैपिटल की रेशो में नहीं बांटना चाहिए था, इसलिए हम 3,60,000 को कैपिटल की रेशो में बांट के वापस लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो अब दे देंगे, तीनों के खाते में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया। ए को सैलरी नहीं दी थी तो अब देंगे, सैलरी क्रेडिट कर दिए के खाते में। सी का कमीशन क्रेडिट कर दिया सी के खाते में। और टोटल प्रॉफिट में से बाकी सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, ये एक्चुअल जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, इसको हमने पार्टनर्स के खाते में उनकी आपस की रेशियो जो क्वेश्चन में दे रखी है 2:3:5 उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो अब कर देंगे, नहीं किया तो अब हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे
प्रॉफिट्स एक्चुअली क्रेडिटेड, ये प्रॉफिट था हमारा 253,500। 253,500 को उनकी आपस की जो रेशियो है 235 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 253,500 को 2/10 ए के हिस्से में 50,700 आएगा, और 253,500 इंटू 3/10 बी के खाते में 76,050 रुपीज़ आएंगे, और 253,500 इंटू 5/10 सी के खाते में 126,750। तो ये देना है इसलिए क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी सी को, और बाकी जो प्रॉफिट बचा उनकी आपस की रेशियो 235 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपका काम है टोटल करना डेबिट और क्रेडिट साइड का। तो डेबिट में देखिए टोटल ऑफ डेबिट्स, ए के डेबिट साइड का टोटल है 60,000, बी का है 120,000 और सी का है 180,000, और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे टोटल ऑफ क्रेडिट्स, एक ही क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, देखिए 5,000 प्लस 60,000 प्लस 50,700, तो एक ही क्रेडिट साइड का टोटल है 115,700। बी के क्रेडिट साइड का टोटल देखिए 10,000 और 76,500, तो मतलब टोटल करेंगे तो 86,500। सी के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 15,000 प्लस 16,500 प्लस 126,750, तो बी के सी के क्रेडिट साइड का टोटल है 158,250। इतना करने के बाद फिर आप यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, तो देखिए हाँ, तो अब ए का देखिए, ए के डेबिट साइड का टोटल देखिए कितना है 60,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 115,700। डिफरेंस देखेंगे तो 115,700 माइनस 60,000, तो डिफरेंस आ रहा है इनका ए का 55,700, और दोनों में से ए की क्रेडिट साइड बड़ी है, तो क्रेडिट साइड में इस डिफरेंस को दिखाया जाएगा, यानी कि ए से ए को हमने 55,700 देने हैं। देखिए 60,000 लेने थे, 115,700 देने थे, क्रेडिट का मतलब देने हैं और डेबिट का मतलब लेने हैं, तो अल्टीमेटली डिफरेंस जो 55,700 है ये हम ए को देंगे। और बी का देखिए डिफरेंस कितना आएगा, डेबिट का टोटल है 120 और क्रेडिट का टोटल है 86,500। तो बी का डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे, तो बी का डेबिट साइड का टोटल है 120 और क्रेडिट साइड का टोटल है 86,500, इसका डिफरेंस आएगा 33,950। और दोनों में से बी की डेबिट साइड बड़ी है, तो डिफरेंस डेबिट साइड में जाएगा, यानी बी से 33,950 लेने हैं। इसी तरीके से सी का करेंगे, सी के देखो डेबिट साइड का टोटल है 180 और क्रेडिट साइड का टोटल है 158,250, तो डिफरेंस देखेंगे 180,000 माइनस 158,250, तो इसका डिफरेंस आएगा 21,750। और सी की डेबिट साइड बड़ी है, तो ये डिफरेंस डेबिट साइड में जाएगा, मतलब सी से 21,750 लेने हैं। तो यहाँ पे आपको जनरल एंट्री पास करनी है, आपका नेट इफेक्ट निकल के आए हैं, ये सारे आपके वर्किंग नोट्स थे, मेन पार्ट आपका जनरल एंट्री का है, तो इसलिए आप इसको फॉर्मेट में ही पास कीजिएगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते, क्योंकि फाइनल आंसर आपका जनरल एंट्री ही है, मेन आंसर।
तो देखिए यहाँ पे डेबिट किस किस को करना है, बी और सी को। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 33,950 बी से लेने हैं और सी को डेबिट करना है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,750 सी से लेने हैं। टू एज कैपिटल अकाउंट और ए को हमने 55,700 देने हैं। तो एक बार चेक कर लीजिएगा दोनों का जो टोटल है डेबिट और क्रेडिट साइड का सेम आना चाहिए। तो सेम आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एरर रेक्टिफाई, या आप लिख सकते हैं बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। इसको आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप फॉर्मेट में लिखिएगा। मेन आंसर आपका ये जनरल एंट्री है तो इसलिए आपको फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा इसको, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 150,000 इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। पार्टनर्स ने 150,000 के प्रॉफिट को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। इन एडजस्टमेंट्स को इग्नोर कर किया है, इन एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया। बिना इन एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 150,000 के प्रॉफिट को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिगार्डिंग यहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो इन्होंने प्रॉफिट को, तीनों पार्टनर्स ने, 150,000 का प्रॉफिट था और तीनों पार्टनर्स ने इसको 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और क्या क्या देना चाहिए था, ए और बी को सैलरी देनी चाहिए थी 1500 पर क्वार्टर। ए की सैलरी 1500 रुपये थी पर क्वार्टर और बी की भी 1500 रुपये। सैलरी नहीं दी ए और बी को। सी को कमीशन मिलना चाहिए था 18,000 रुपये, सी को कमीशन नहीं दिया। और ए एंड सी गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम टू बी, और यहाँ पे बी को गारंटी दी गई थी कि कम से कम उसको 50,000 रुपये प्रॉफिट में मिलेगा ही मिलेगा। और फोर्थ कंडीशन थी कि प्रॉफिट को 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली मिस्टेक इन्होंने किया कि प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि गलत कर दिया। प्रॉफिट को बांटना चाहिए था 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2:2:1 में। तो पहली मिस्टेक तो ये हुई है। दूसरा, ए और बी को सैलरी नहीं दी, सी को कमीशन नहीं दिया, और बी को मिनिमम गारंटी थी प्रॉफिट में कि उसको कम से कम 50,000 रुपये मिलेगा। अब ये भी हमें चेक करना पड़ेगा कि इतना प्रॉफिट उसको मिला था कि नहीं मिला था। तो यहाँ पे कुल मिला के एरर्स हुए हैं सैलरी को लेके, कमीशन को लेके और प्रॉफिट के डिवीज़न को लेके। तो हमें एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है ताकि इस एरर को हम रिमूव कर सकें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट बनाएंगे, वर्किंग नोट स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स और तीनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, पर्टिकुलर्स ए बी और सी।
देखिए, सबसे पहले जो प्रॉफिट को इन्होंने गलत रेशो में बांटा है, आप भी गलत रेशो में बांट के सबसे पहले उसको वापस लीजिए। तो यहाँ पे पहला हमारा ट्रांजेक्शन क्या लिखेंगे हम, स्टेटमेंट प्रॉफिट्स रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। जो प्रॉफिट गलती से बांट दिए थे उसको वापस लिया जाएगा। कितना प्रॉफिट बांटा था, 1,50,000 को 2:1 में बांटा था, तो आप भी 1,50,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके वापस लीजिए। तो 1,50,000 को 2:1 में बांटेंगे तो 1,50,000 इंटू 2/5, तो 60,000 ए से वापस लिए जाएंगे, और 1,50,000 इंटू 2/5 और 60,000 बी से वापस लिए जाएंगे, और 1,50,000 इंटू 1/5 30,000 सी से वापस लिए जाएंगे। तो वापस लेना है इसलिए डेबिट करेंगे, ठीक है। ये गलत बांट दिए थे इसलिए हम इनको वापस लेंगे पार्टनर से, तो इसलिए डेबिट किया गया। 1,50,000 को 2:1 में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था गलती से, तो हम भी 1,50,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके वापस लेंगे सबसे पहले। तो ये एरर हमने ख़त्म कर दिया। अब क्या देना था, सैलरी देनी थी ए और बी को 1,500 पर क्वार्टर, तो नहीं दी, तो अब दे देंगे सैलरी। तो यहाँ पर लिखेंगे सैलरी क्रेडिटेड फिफ्टीन हंड्रेड पर क्वार्टर है, तो साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो पूरे ईयर की सैलरी होगी 6,000। किस किस को सैलरी मिलनी थी, ए और बी को, तो 6,000 रुपये ए में क्रेडिट करेंगे और 6,000 बी के खाते में क्रेडिट करेंगे, सी की कोई सैलरी नहीं है, तो देना है इसलिए क्रेडिट करेंगे। अच्छा, पहली कंडीशन हमने फुलफिल कर दी, और दूसरा सी को कमीशन देना था 18,000 रुपये, तो अब दे देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कमीशन क्रेडिटेड 18,000, सी में क्रेडिट कर देंगे, सी के खाते में, तो देना है इसलिए क्रेडिट करेंगे। अब देखिए, इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको 3:3:2 में बांटना चाहिए था। तो सबसे पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। यहाँ तक प्रॉफिट गलत बांट दिए थे पार्टनर्स में, तो 1,50,000 को इन्होंने 2:1 में बांटा था, तो हमने भी 2:1 में बांट के वापस ले लिया, यानी कि डेबिट किया तीनों के खाते में। और सैलरी देनी थी ए और बी को 1,500 पर क्वार्टर, तो पूरे साल में 4 क्वार्टर्स होते, तो इंटू 4 कीजिएगा, ईयर की सैलरी, ईयरली सैलरी आ जाएगी 6,000, तो ए और बी दोनों के खाते में क्रेडिट करेंगे। और सी को कमीशन देना था 18,000, तो सी के खाते में 18,000 रुपये का कमीशन क्रेडिट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो डिविजिबल प्रॉफिट हम निकालते हैं, तो नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000, इसमें से सैलरी, तो देखिए 6,000 रुपये ए की सैलरी थी और 6,000 रुपये बी की सैलरी थी, टोटल 12,000 रुपये सैलरी हम माइनस करेंगे, और सी का कमीशन था, देखिए खर्चा है फर्म के लिए इसलिए सैलरी को माइनस करेंगे प्रॉफिट में से, और सी का कमीशन था 18,000 रुपये, ये भी फर्म का एक्सपेंस है तो इसको भी माइनस करेंगे। बाकी जो प्रॉफिट बचेगा 1,50,000 माइनस 12,000 माइनस 18,000, सैलरी और कमीशन देने के बाद प्रॉफिट बच रहा है 1,20,000, ये डिविजिबल प्रॉफिट है, इसको हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, 3:3:2 में, तो 3:3:2 पार्टनरशिप डीड के मुताबिक 3:3:2 में हमको पार्टनर्स में ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो अब कर देते हैं, तो ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट, देखिए फिर से नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000,
और इसमें से सैलरी जो ए और बी को दी है वो माइनस करेंगे, सी का कमीशन माइनस करेंगे, बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उसको हमें पार्टनर्स में, ये डिविजिबल प्रॉफिट को 3-3-2 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते, देखिए एज शेयर इन प्रॉफिट 1,20,000 इंटू 3/3, देखिए कितना, 3, 3, 6 और 2, 8, 3/8, एक हिस्से में कितना आएगा, 3/8, तो 1,20,000 इंटू 3/8, एक हिस्से में आ रहा 45,000। बीज शेयर इन प्रॉफिट 1,20,000 इंटू 3/8, तो बी के खाते, बी के हिस्से में भी कितना आएगा, 45,000। सीज शेयर इन प्रॉफिट 1,20,000 इंटू 2/8, तो 1,20,000 इंटू 2/8 30,000 सी के हिस्से में आएगा। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवीज़न इसलिए करके बताया मैंने आपको क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको 3-3-2 में बांटेंगे, लेकिन एक कंडीशन और थी हमारी, थर्ड नंबर कंडीशन थी कि ए और सी ने गारंटी दी थी कि बी बी को कम से कम 50,000 रुपये मिलेगा ही मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा। लेकिन देखिए बी को कितना मिल रहा है यहाँ पे, बी के हिस्से में कितना आ रहा है, 45,000, और बी को गारंटी कितनी मिली थी कि उसको 50,000 रुपये कम से कम प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी आ रही है 50,000 रुपये गारंटी दी गई थी, लेकिन बी के हिस्से में कितना आया, 45,000। अगर बी को 50,000 या उससे ज़्यादा मिलता तो हम उसको उतना ही प्रॉफिट देते, तब हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 50 से कम अगर मिला है, जो गारंटी दी है उससे अगर कम प्रॉफिट मिला है तो वो डेफिशिएंसी कहलाएगी। कितनी डेफिशिएंसी आ रही है यहाँ पे, 5,000 रुपये, यानी बी को 5,000 रुपये कम मिले हैं। तो ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, कौन देगा, किसने गारंटी दी थी, ए और सी ने। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए दिस डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न बाय ए एंड बी इन देयर रिस्पेक्टिव रेशियो, क्योंकि हमें बता नहीं रखा कि गारंटी किस रेशियो में देंगे, तो जो उनका आपस का रेशियो है उस रेशियो में ये 5,000 को बियर करेंगे। तो देखिए 5,000 इनका आपस का रेशियो कितना था, 3-3-2, देखिए ए बी और सी इनका रेशियो था 3-3-2, तो हम किसकी बात करें, ए और सी की, तो ए और सी का आपस का रेशियो कितना है, 3:2, तो ये जो डेफिशिएंसी आई है 5,000 रुपये की, ये अपने आपस की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, आपस की रेशियो में बियर करेंगे, यानी कि 3:2 में बियर करेंगे जो उनका आपस का रेशियो है। तो जो डेफिशिएंसी है, दिस विल बी बॉर्न बाय ए एंड बी इन द रिस्पेक्टिव रेशियो, और रिस्पेक्टिव रेशियो कितना है, ए और सी है यहाँ पे ना, बी को गारंटी मिली है, तो कितना है इनका रिस्पेक्टिव रेशियो, ए का है 3 और सी का है 2, तो यानी कि 3:2 में ये इस 5,000 को बेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए एज शेयर इन डेफिशिएंसी फाइव थाउजेंड इंटू 3/5, 3 और 2 5 होते हैं, तो 3/5, यानी 3,000 रुपये ए बेयर करेगा, और बीज शेयर इन डेफिशिएंसी 5,000 इंटू 2/5, 2,000 रुपये बी नहीं है यहाँ पे, सी है, सी शेयर इन डेफिशिएंसी 2,000, यानी कि 3,000 रुपये ए देगा और 2,000 रुपये सी देगा अपने प्रॉफिट में से, और 5,000 रुपये किसको मिलेंगे, बी को, क्योंकि उसको हमने मिनिमम गारंटी यहाँ पे दी थी कि 50,000 रुपये कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए एक बार फिर से समझते हैं इसको, देखिए सबसे पहले जो प्रॉफिट था, क्वेश्चन को एक बार आपको फिर से बता देते हैं,
प्रॉफिट गलती से 1,50,000 के प्रॉफिट गलती से 2:2:1 में बांट दिए गए थे, तो हमने उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके वापस लिया, सबके खाते में डेबिट किया। ए और बी को सैलरी देनी थी तो उनके दोनों के खाते में सैलरी क्रेडिट की, सी को कमीशन देना था तो सी के खाते में कमीशन क्रेडिट किया। फिर बाकी जो प्रॉफिट बचा, 1,50,000 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से सैलरी और कमीशन देने के बाद 1,20,000 जो बचा उसको हमने उनकी रेशो में बांट दिया 3:3:2 में। ए के खाते में आया 45,000 रुपये, बी के खाते में 45,000 और सी के खाते में 30,000। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आई कि बी को गारंटी दी गई थी कि कम से कम उसको 50,000 रुपये मिलेगा, लेकिन भाई बी को मिला कितना, 45। तो 5,000 रुपये यहाँ पे बी की डेफिशिएंसी आ रही है, 5,000 रुपये उसको कम मिले हैं। ये कौन देगा, किसने गारंटी दी थी? ए और सी ने दी थी। देखिए क्वेश्चन में गिवन है किसने गारंटी दी थी, ए और सी ने, और ये नहीं बता रखा कि ये डेफिशिएंसी किस रेशो में बियर करेंगे। तो ये आपस की जो उनकी रेशो होगी उस रेशो में इस डेफिशिएंसी को डिवाइड किया जाएगा। तो ये 5,000 की डेफिशिएंसी और ए और सी का जो रेशो है, ए का 3 और सी का 2, तो 3:2 में इस 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए देगा 3,000 रुपये और सी देगा 2,000 रुपये, और किसको मिलेंगे, बी को। तो यहाँ पे देखिए ए के प्रॉफिट में से आप यहाँ पे 3,000 रुपये माइनस कर दीजिए तो ए के पास एक्चुअल प्रॉफिट कितना बचेगा, 42,000। और बी को 5,000 रुपये देने हैं तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 50,000, क्योंकि 50,000 की इसको गारंटी मिली थी। और सी के प्रॉफिट में से कितना माइनस किया जाएगा, 2,000 रुपये। तो सी का प्रॉफिट बचेगा 28,000। मेन पार्ट देखिए क्वेश्चन में यही था जहाँ पे आप गलती कर सकते थे। तो जो 5,000 की डेफिशिएंसी है वो ए और बी अपने आपस की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ए बियर करेगा 3,000 रुपये, तो ए के प्रॉफिट में से 3,000 रुपये माइनस कर दीजिए तो ए का प्रॉफिट कितना बचा, 42। बी में 5,000 रुपये ऐड कर दीजिए तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा 50,000 रुपये, और सी के प्रॉफिट में से 2,000 रुपये माइनस कर देंगे तो उसका प्रॉफिट बचेगा 28,000 रुपये। यानी ए और सी ने जो गारंटी दी थी तो ए 3,000 रुपये देगा, सी 2,000 रुपये देगा, और बी को टोटल 50,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा जो मिनिमम गारंटी दी गई थी ए और सी द्वारा। तो ये जो प्रॉफिट्स हैं इनको पार्टनर्स को देना है हमने, तो देना है तो इसलिए उनके खाते में क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट्स एक्चुअली क्रेडिटेड। तो देखिए ए के खाते में कितना बचा था प्रॉफिट, 42,000। बी के खाते में 50,000 रुपये और सी के खाते में 28,000 रुपये, तीनों के खाते में क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये देना है। तो इस तरीके से आपने ये एरर ख़त्म करना था। और अभी देखिए हमने सिर्फ मिस्टेक्स जो जो हुई हैं उनको सुधारा है, उनको हमने सही किया है। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड का, क्योंकि हमको एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है यहाँ पे। तो टोटल ऑफ डेबिट्स, तो ए का टोटल है 60,000, बी का है 60,000 और सी का है 30,000। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, टोटल ऑफ क्रेडिट ए के क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए तो कितना आ रहा है, 6,000 प्लस 42,000, 48,000 आएगा, और बी का आएगा 56,000, और सी का कर लीजिए 18,000 प्लस 28,000, तो सी का टोटल आएगा 46,000। इतना करने के बाद अब आप डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए ए के डेबिट साइड का टोटल है 60,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 48,000। डिफरेंस अगर आप देखें ए के डेबिट क्रेडिट दोनों का, 60 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12,000। और दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड, तो ये डेबिट साइड में डिफरेंस शो किया जाएगा। यानी ए को डेबिट किया जाएगा 12,000 रुपये से, क्योंकि 60,000 रुपये देने थे और 60,000 लेने थे और 48,000 देने थे, तो डिफरेंस जो 12,000 है तो ये ए से लिया जाएगा, मतलब ए से हमने 12,000 रुपये लेने हैं।
बी का डिफरेंस देखिए 60,000 डेबिट का टोटल है और 56,000 क्रेडिट का है, डिफरेंस आ रहा है 4,000। और कौन सी साइड बड़ी है बी की? डेबिट। तो बी से हमने कितने पैसे लेने हैं? 4,000 रुपये। सी का डिफरेंस देखेंगे, 30,000 डेबिट का टोटल है और 46,000 क्रेडिट का टोटल है, तो सी का डिफरेंस आ रहा है 16,000। और सी की यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी है तो सी के खाते में क्रेडिट किए जाएंगे 16,000 रुपये, मतलब सी को देने हैं हमने। तो इस तरीके से आपने ये डिफरेंस निकालना था। और जनरल एंट्री यहाँ पे पास करेंगे, आपने फॉर्मेट में पास करनी है ये एंट्री, मैं यहाँ पे रफली पास कर रहा हूँ। तो ए को डेबिट करना है 12,000 रुपये से, ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए से 12,000 रुपये लेने हैं। बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी से 4,000 रुपये लेने हैं। और टू सी इज कैपिटल अकाउंट, सी को 16,000 रुपये देने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने करना था। नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट, उसको फॉर्मेट में पास कीजिएगा जनरल एंट्री को, नहीं अदरवाइज मार्क्स आपके कट सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना था। मेन पार्ट जो इसमें था, फिर से बता देते हैं, प्रॉफिट गलत बांटे थे उन्होंने 2:2:1 में, तो हमने भी 2:2:1 में 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया और वापस ले लिया, यानी कि डेबिट कर दिया। सैलरी क्रेडिट कर दी दोनों पार्टनर्स की, ए और बी की 6,000 6,000, और कमीशन सी का क्रेडिट कर दिया, और बाकी जो प्रॉफिट बचा उसको हमने 3:3:2 में बांटा था, लेकिन बी को जो गारंटी देनी थी उसकी वजह से हमें डेफिशिएंसी वाला पार्ट यहाँ पे करना पड़ा, और जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हमने तीनों के खाते में क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद डिफरेंस निकालिएगा और यहाँ पे जनरल एंट्री पास करनी है आपको। तो देखिए मेन पार्ट इसमें डेफिशिएंसी का था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। देखिए जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चंस की पास हर टॉपिक को लेके, वो सारे मैंने इस वर्कशीट में कवर किए हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो तीन पार्टनर्स हैं यहाँ पे ए बी सी, और पार्टनरशिप डीड के मुताबिक प्रॉफिट को, प्रॉफिट में से देखिए फर्स्ट जो 60,000 प्रॉफिट होगा उसको 3:1 में बांटना है, जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से जो फर्स्ट 60,000 होगा उसको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, और बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, ये तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कंडीशन थी कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से पहले 60,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बाकी जितना भी प्रॉफिट बचेगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखते हैं इन्होंने गलती क्या की है। प्रॉफिट्स 31 मार्च 2021 के 1,50,000 हमें दे रखे हैं, विच हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। ऑन 1 अप्रैल 2020 तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, और इंटरेस्ट दे रखा है कैपिटल पे कितना, 8%, विच वॉज ऑमिटेड टू बी प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा देखिए, इन्होंने प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्रॉफिट तो उन्होंने सही जो प्रोसीजर बताया था उसी प्रोसीजर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। गलती क्या हुई कि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पार्टनर्स को देना चाहिए था, वो नहीं दिया है, और प्रॉफिट को उन्होंने बांट दिया पार्टनर्स में, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे गलती ये हुई है कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता उसको बांटना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर कर दिया, और जो प्रॉफिट था उसको 1,50,000 का प्रॉफिट है उसको सेम प्रोसीजर में डिस्ट्रीब्यूट किया जैसा कि पार्टनरशिप डीड के मुताबिक बोला था। तो देखिए प्रॉफिट तो उन्होंने
जो प्रोसीजर था वो सही फॉलो किया, लेकिन इन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर कर दिया। तो देखिए इस एरर को किस तरीके से सही करना है आपको, एक एंट्री पास करके। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर है आपका 14, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स, तीनों पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, पर्टिकुलर्स ए बी और सी। सबसे पहले इन्होंने जो प्रॉफिट बांटा है उसको सबसे पहले वापस ले लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती ये हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर करके उन्होंने प्रॉफिट को बांटा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट्स रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, जो प्रॉफिट इन्होंने गलत बांटे हैं उसको वापस लीजिए। अच्छा, इन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया होगा, पहले 60,000 को 3:1 में बांटा और बाकी जो प्रॉफिट था उसको इक्वली बांटा, तो प्रॉफिट था कितना 1,50,000। तो इन्होंने क्या किया, जो 1,50,000 था उसमें से फर्स्ट 60,000 इसको 3:1 में बांटा होगा। तो देखिए ए बी सी तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट को, जो टोटल प्रॉफिट 1,50,000 है उसमें से 60,000 को 3:1 में बांटा, तो 60,000 इंटू 3/6 यानी ए को एक हिस्से में आ रहे 30,000 रुपये, 60,000 इंटू 2/6 20,000 बी के हिस्से में आए होंगे, और 60,000 इंटू 1/6 10,000 सी के हिस्से में आया। अच्छा, बाकी जो प्रॉफिट बचा था वो उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तो बाकी कितना बचा, 1,50,000 में से 60 बांट चुके थे 3:1 में, तो बाकी बचा आपके पास 90,000। तो इन्होंने जो रिमेनिंग 90,000 है उसको कैसे बांटा होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो आप भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तीनों में, 30 ए में, 30 बी में और 30 सी में। यानी कि ए के हिस्से में कितना प्रॉफिट आया होगा 60,000 रुपये, बी के हिस्से में कितना आया होगा 50,000 और सी के हिस्से में कितना आया होगा 40,000। देखिए प्रोसीजर उन्होंने सही फॉलो किया, मतलब प्रॉफिट को बांटना ही ऐसे चाहिए था, लेकिन इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद फिर बांटना चाहिए था, तो ये इन्होंने गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। ये गलत बांट दिया है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो सबसे पहले ये गलत बांटा है तो वापस लेंगे, तो वापस लेना है तो यहाँ पे 60,000 ए से वापस लिया जाएगा, 50,000 बी से वापस लिया जाएगा और 40,000 सी से वापस लिया जाएगा। तो वापस लेना है इसलिए डेबिट किया जाएगा। तो देखिए इन्होंने क्या किया, 1,50,000 का जो प्रॉफिट था उसमें से फर्स्ट 60,000 को 3:1 में बांटा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया। तो 60,000 को 3:1 में बांटेंगे तो 30,000 रुपये ए के हिस्से में आए होंगे, 20,000 रुपये बी के हिस्से में और 10,000 सी के हिस्से में। बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 90,000 वो उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 30,000 तीनों के हिस्से में आए होंगे। टोटल करेंगे तो ए को मिला 60,000 रुपये, बी को 50 और सी को 40।
ये गलत हो गया। गलत क्यों हुआ? क्योंकि भैया उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करने के बाद फिर प्रॉफिट को बांटना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, तो इसलिए ये गलत बांट दिया गया, तो इसलिए हम इसको वापस लेंगे पार्टनर से। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट्स रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, ठीक है, इसलिए इसको डेबिट किया गया। 60,000 रुपये ए के खाते में डेबिट किए जाएंगे, 50,000 रुपये बी के खाते में डेबिट किए जाएंगे और 40,000 सी के खाते में। अच्छा, क्या देना था पार्टनर्स को? 8% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देना चाहिए था कैपिटल पे, तो यहाँ पे इंटरेस्ट देना था तो अब दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम क्रेडिटेड। अब क्रेडिट कर देंगे, तो देखिए ए की कैपिटल कितनी थी? 4 लाख। 4 लाख रुपए का 8% कितना होता है? देखिए 32,000। तो ए के खाते में 32,000 रुपये क्रेडिट किए जाएंगे। बी की कैपिटल 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए का 8% होता है 24,000। तो बी के खाते में 24,000 रुपये का इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा। और सी की कैपिटल 2 लाख रुपए है, 2 लाख का 5% होता है, 8% होता है 16,000। तो सी के खाते में 16,000 रुपये क्रेडिट किए जाएंगे, देना है इसलिए क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो इसलिए हमने उनके खाते में क्रेडिट कर दिया। अब दे दिया तो अब क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, अब एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? एक्चुअल सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी? नेट प्रॉफिट जो है 1,50,000, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स का, देखिए पहले का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 32,000 है, बी का इंटरेस्ट 24,000 है और सी का इंटरेस्ट 16,000 है। तो 32,000 प्लस 24,000 प्लस 16,000 टोटल इंटरेस्ट होता है 72। तो ये 72,000 का इंटरेस्ट डिडक्ट करना चाहिए था। देखिए 1,50,000 में से 72,000 टोटल इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा? 78,000। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट था। इस प्रॉफिट को अब उस प्रोसीजर में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो देखिए 78,000 को इसमें से पार्टनरशिप डीड के मुताबिक 60,000 को 3-2-1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी और सी। तो देखिए यहाँ पे 60,000 को ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए फिर से बता देते हैं एक बार आपको, 1,50,000 का प्रॉफिट था, वो उन्होंने क्या किया था? पहले फर्स्ट 60,000 को 3-2-1 में और बाकी रिमेनिंग को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बाटा सही था, तो लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट नहीं किया था, तो इसलिए गलत हो गया था। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, वापस ले लिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो क्रेडिट कर दिया तीनों के खाते में 8% कैपिटल का 8%। और एक्चुअल सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी? 1,50,000 का जो प्रॉफिट है इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000 माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा 78,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था इस प्रोसीजर में। यानी कि 78,000 में से फर्स्ट 60,000 को 3-2-1 में बांटेंगे, तो 60,000 इंटू 3/6, 30,000 ए के खाते में आएंगे और 20,000 बी के खाते में और 10,000 सी के खाते में। अच्छा, बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता, कितना रिमेनिंग प्रॉफिट बचा? 78,000 में से 60 बांट चुके हैं, तो बाकी कितना बचेगा? 18,000 रुपये। इस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो 18,000 को तीन हिस्सों में बांटोगे तो 6,000 रुपये आएंगे तीनों के हिस्से में, 6,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000, यानी कि एक्चुअल में ए के खाते में 36,000 रुपये क्रेडिट करने चाहिए थे प्रॉफिट के, बी के खाते में 26,000 रुपये क्रेडिट करने थे और सी के खाते में 16,000 रुपये क्रेडिट करने थे। ये देना है पार्टनर्स को, देना है तो क्या किया जाएगा, उनके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे
प्रॉफिट्स एक्चुअली क्रेडिटेड। तो देखिए कितना कितना आया था तीनों के हिस्से में, एक्चुअल में एक ही खाते में कितना क्रेडिट करना है 36,000, और बी के खाते में करना है 26,000, और सी के खाते में कितना करना है 16,000। तो इस तरीके से आपने करना था। देखिए ये इन्होंने गलत कर दिया था तो इसलिए हमने वापस लिया, और एक्चुअल में इस तरीके से देना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता उसको बांटना चाहिए था प्रोसीजर में, तो इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे जो एक्चुअल प्रॉफिट है। अब आपका काम है टोटल करना डेबिट और क्रेडिट का। तो टोटल ऑफ डेबिट्स 60,000, बी का है 50,000 और सी का है 40,000। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ए का 32,000 प्लस 36,000 टोटल हो रहा है 68,000। बी का करेंगे 24,000 प्लस 26,000 50,000 आ रहा है बी का क्रेडिट साइड का टोटल, टोटल ऑफ क्रेडिट। सी का करेंगे तो कितना आएगा 32,000। अब आपका काम है डिफरेंस निकालना। ए के देखो डेबिट साइड का टोटल है 60,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 68,000, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 8,000। और दोनों में से देखिए एक ही कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड, तो एक ही खाते में 8,000 रुपये क्रेडिट किए जाएंगे। और बी का देखिए डिफरेंस डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम है तो इसका डिफरेंस नहीं आएगा। सी का देखिए 40,000 डेबिट साइड का टोटल है, 32,000 क्रेडिट साइड का टोटल है, तो इसका डिफरेंस भी 8,000 आ रहा है और इसकी डेबिट साइड बड़ी है तो 8,000 को डेबिट किया जाएगा सी के खाते, मतलब 8,000 रुपये सी से लेने हैं और 8,000 रुपये ए को देने हैं। तो देखिए आपके नेट इफेक्ट आ गए। तो यहाँ पे जनरल एंट्री फिर से बता रहा हूँ आपको फॉर्मेट में पास करनी है, क्योंकि मेन आपका जो आंसर है वो जनरल एंट्री ही है। तो सी को डेबिट करना है तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी से 8,000 रुपये लेने हैं टू ए इज कैपिटल अकाउंट और 8,000 रुपये ए को देने हैं बीइंग एरर रेक्टिफाइड। इस तरीके से आपने फाइनल जनरल एंट्री पास करनी है। तो देखिए सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कि किस प्रोसीजर में बोला गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपको समझ में आती है तो आप इजीली इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये सारा आपका वर्किंग नोट्स का पार्ट रहेगा, मेन आपका जो आंसर है वो जनरल एंट्री है। तो यहाँ पे देखिए हमारी वर्कशीट 1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो अब हम सेकंड वर्कशीट, इसकी अभी पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस इसके बनते हैं जो वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो अब हम वर्कशीट नंबर 2 में 16 क्वेश्चंस आपको और करवाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट के, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रह जाए जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आए और आपको आप ना कर पाएँ उसको। तो मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे हम आपको करवाएंगे। 14 क्वेश्चन इस वर्कशीट नंबर 1 में हमने करवा दिए हैं और बाकी के 16 क्वेश्चन हम वर्कशीट नंबर 2 में, मतलब टोटल 30 क्वेश्चन हमने इस टॉपिक के करने हैं। तो अगर इसका देखिए तीन पार्ट्स में वर्कशीट नंबर 1 हमने कंप्लीट किया, तो इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है सब वीडियोज़ का, और डिस्क्रिप्शन से ही आप वर्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं वर्कशीट नंबर 2 के साथ।